बड़ा दिन है, महत्वपूर्ण दिन है, वो इसलिए कि आज आखिरी चरण है और नजदीक है चुनाव परिणाम का दिन, और चुनाव परिणाम को लेकर भी हाजिर होंगे सभी सटीक आंकड़े, रुझान से लेकर परिणाम तक आपको बताएंगे। फिलहाल आज रहेगी हमारी दिन भर नजर आज होने वाले मतदान को लेकर, जो 57 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं चुनावी मैदान में इस बार, और कई फिल्मी जगत के सितारे भी इस बार चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे। मसलन कंगना रनौत, रवि किशन जैसे चेहरे इस आखिरी चरण में चुनावी मैदान में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो महत्वपूर्ण सीट जिस पर सबकी निगाह रहेगी कि इस बार जीत का अंतर कितना बड़ा होगा, हम बात कर रहे हैं वाराणसी लोकसभा सीट की, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार चुनावी मैदान में एक बार फिर से हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी लोकसभा सीट पर वोटिंग को लेकर भी जो ताजा आंकड़े हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। अब से कुछ ही देर में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, और ऐसे में वोटिंग की इस प्रक्रिया में कहां पर क्या मतदान प्रतिशत रहा और वोटिंग को लेकर क्या गतिविधियां चल रही हैं, आज 57 सीटों पर जो मतदान होना है उससे जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर वोटिंग की बात हो रही है, वाराणसी की बात हो रही है, और ऐसे में अंशिका के पास ना जाएं तो ये थोड़ा सा अनफेयर होगा। अंशिका पाठक हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अंशिका, ओवर टू यू। बिल्कुल आशीष, और आज क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है, आखिरी चरण है और फाइनल रन है, ऐसे में 13 सीट वाराणसी की यूपी की माफ कीजिएगा बहुत ही ज्यादा खास है, और इनमें वाराणसी बेहद ही अहम सीट है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 4 सीटें बेहद ही महत्वपूर्ण है, बीते कई दिनों कंगना रनौत को भी काफी एक्टिव देखा गया है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 9 सीटें और बिहार की 8 सीटों पर आज वोटिंग होगी, ओडिशा की 6। थोड़ी ही देर में मतदान शुरू हो जाएगा, 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी। कुल 904 उम्मीदवार अपनी किस्मत आज आजमा रहे हैं, उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी, जनता आज फैसला लेगी, 4 जून को नतीजे आएंगे। उससे पहले लगातार जो है हर अपडेट सबसे पहले न्यूज 18 अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। हालांकि 8 प्रदेश, और सबसे बड़ी चीज तो यह है कि इन 8 प्रदेशों की 57 सीटों पर वोटिंग, और सारी 57 सीटों की बात करें तो इनमें से ज्यादा सीटें हाई प्रोफाइल सीटें हैं। बात करें अगर बिहार की तो बिहार की 8 सीटों पर जहां जहां वोट डाले जाने हैं आज, वो भी बेहद ही महत्वपूर्ण है। झारखंड की 3 सीटें बहुत अहम है। सबसे बड़ी बात यह कि पंजाब की तो सभी 13 सीटों पर मतदान डाले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जिन 13 सीटों पर वोट डाले जाने हैं उनमें 11 तो बीजेपी गठबंधन के पास ही है, और बाकी 2 सीटें बसपा के पास थी 2000 इससे पहले के चुनाव की बात करें 19 की। तो ऐसे में देखना बेहद ही खास होगा कि 2024 में कितनी सीटें बीजेपी के खेमे में जाएगी। पूर्वांचल की ये सीटें, 13 ही सीटें पूर्वांचल की है उत्तर प्रदेश की, और पूर्वांचल की हवा जिसने भाप ली उसने पूरे चुनाव को ही भाप लिया कहा जाता है। हालांकि अब देखना होगा कि आज जनता किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट डालेगी। वो बड़े लड़ैया जिनकी तस्वीर हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बड़े लड़ैया, पश्चिम बंगाल के बड़े लड़ैया दिखा रहे हैं, बड़े चेहरे गोरखपुर से रवि किशन की साख दांव पर है, और काजल निषाद एसपी से कैंडिडेट उनके सामने है। इसके अलावा बात करें अगर हिमाचल की भी तो आप देखिए हमीरपुर में अनुराग सिंह ठाकुर केंद्रीय मंत्री, और दूसरी तरफ सतपाल रायजादा उनके सामने, तो ये है वो बड़े लड़ैया, कई केंद्रीय मंत्रियों की साख दांव पर इस चरण में। हिमाचल प्रदेश से लेकर बात करें अन्य राज्यों की तो यहां पर कई बड़े लड़ैया चुनावी मैदान में है। बिल्कुल, और ये जो आज का दिन है 7वां चरण है, और इस 7वें चरण में जिस तरह मतदान के प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद एक बार फिर से सभी को है, चुनाव आयोग को है, चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और सभी ड्रिल्स हो चुकी हैं, और ऐसे में अभी की जो स्थिति है वो ये कि आगे चुनाव से जुड़ी हुई अपडेट्स तो हम आप तक पहुंचाएंगे ही, लेकिन अभी तैयारियों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। 486 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है और आज 57 सीटों पर वोट डाले जाने हैं, जिसमें आज की बात करें तो कुल 904 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिसमें 809 पुरुष प्रत्याशी हैं जबकि 95 महिला उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत
आरके सिंह, अनुराग ठाकुर सरीखे कैबिनेट के सदस्य चुनावी मैदान में इस बार इस चरण में हैं, जबकि फिल्म जगत के भी कई सितारे इस सातवें चरण में चुनावी मैदान में हैं। देखना होगा कि क्या उन्हें सपोर्ट मिलता है किस तरह से। और इसमें कंगना रनौत, रवि किशन, पवन सिंह, काजल निषाद भी चुनाव लड़ रहे हैं। नितिन गोस्वामी हमारे साथ जुड़ गए हैं वाराणसी से। नितिन, इस वक्त आप वाराणसी के किस मतदान केंद्र पर मौजूद हैं, और क्योंकि 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, मॉक पोल की प्रक्रिया क्या पूरी हो चुकी है? मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, मैं वाराणसी के प्रीम पोलिंग बूथ पे है, जहां पर मॉडल पोलिंग बूथ बनाया गया है, और यहां पर व्यवस्थाएं चल रही हैं। तमाम अभिकर्ता और उनको एजेंट बनाने की तैयारी हो रही है। साथ ही साथ जो रात में ही पोलिंग पार्टी यहाँ पहुँची है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वो मतदान केंद्र है जहाँ पर ये तैयारी हो रही है, मॉक पोल की तैयारी हो रही है। अभिकर्ता पहुँच रहे हैं और अभिकर्ता मतलब एजेंट बनाए जाने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। साथ ही पुलिसकर्मी भी यहाँ सुरक्षा में लग चुके हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट यहाँ पहुँच चुके हैं और निश्चित तौर पर यहाँ पर तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। आपको बता दें, बनारस में 19,52,000 मतदाता 7 प्रत्याशियों का भाग्य तय करेंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट होने की वजह से ये VVIP सीट है, और यहाँ पर उस तरह से ही इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल, और आज की तैयारियों की बात करें तो अभी जो मॉक पोल की प्रक्रिया है वो कितनी देर में शुरू होगी? इस बूथ पर क्या कोई VVIP मूवमेंट भी होने वाला है आज? देखिए, मॉक पोल की प्रक्रिया जो है वो 6 बजे से 7 बजे तक पूरी करनी है, और 6 बजे से 7 बजे तक ये मॉक पोल की प्रक्रिया होगी। आपको बता दें, इस बीच जो VIP मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो तमाम जो मंत्री रहे हैं यहाँ पर, विधायक हैं, वो अलग अलग अपने बूथों पर जा करके शाम 7 बजे के बाद से मतदान कर सकते हैं, और उस तरह की तैयारियाँ भी की गई हैं। VIP मूवमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर जो पूर्व मंत्री हैं, वर्तमान में राज्य मंत्री हैं, वो यहाँ वोट करने जा रहे हैं, तो उस तरीके दयालु गुरु हैं, वो अपने बूथ पर जाकर के वोट करेंगे। तो ये सारे इंतजाम यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। साथ ही वाराणसी बेहद इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यहाँ का मतदाता जागरूक है, और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने भी कल भोजपुरी में इनकी आम भाषा में एक अपील की थी। चलिए ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। नितिन, अमित गंजू हमारे साथ गाजीपुर से जुड़ गए हैं। अमित, आप इस वक्त गाजीपुर के किस मतदान केंद्र पर मौजूद हैं, और मॉक पोल की प्रक्रिया को लेकर क्या जानकारी आपके पास? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, लोकतंत्र के इस महापर्व का हर व्यक्ति भागीदार बनना चाहता है, यही वजह है कि सुबह का वक्त है, और इस वक्त हमारी न्यूज 18 टीम आप देख सकते हैं प्राथमिक विद्यालय तुलसी सागर नगर क्षेत्र गाजीपुर में मौजूद है। देखिए, अभी सुबह का टाइम है, क्योंकि यहाँ टीम्स अभी पहुंच चुकी है, क्योंकि 7 बजे से इसकी शुरुआत होनी है, और अभी टाइम है, लेकिन सुरक्षा कर्मी अभी से ही मुस्तैद हैं, टीम्स पहुंच चुकी हैं, और जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो भी अपनी हैं, और ये अपनी ड्यूटीज पे मुस्तैद है। और ऐसा माना जा रहा है कि जो वोटर्स हैं वो भी एक एक करके, देखिए मैं अपने कैमरा से राइट हैंड साइड दिखाई है, सुबह से ही एक जागरूक, सर वोट डालने के लिए आए, आइए प्लीज, सर आइए, प्लीज आइए सर। आप देखिए, जागरूकता किसे कहते हैं कि सुबह से सब काम छोड़, सर वोट कास्ट करने आए, आपकी चेहरे खुशी कुछ करी बता दीजिए, हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, महापर्व है, तो अकेले हैं, बाकी फैमिली मेंबर्स नहीं आए? फैमिली अभी तैयार हो रही है, उनको लड़का लेके आएगा। अच्छा, तो थोड़ा बुजुर्ग हैं, बीमार रहती हैं। अच्छा सर, आप भी वोट कास्ट करना है। हाँ। देखिए, जागरूकता देखिए, सीनियर सिटीजन कितने जागरूक हैं, और न्यूज 18 उनको सलाम करता है कि अपनी इस जिम्मेदारी समझ रहे हैं। लोगों को जो अभी घरों में बैठे हैं, क्योंकि सादे समय जरूर है, उनको इनसे लेना चाहिए कि सुबह से आके, मैम आप भी वोट डालने आई हैं, लेकिन सब सुबह से आके यहाँ। सर आप कहाँ से आए हैं? हम यहीं से आए हैं, राधे नगर कॉलोनी से। अकेले आए? फैमिली नहीं? फैमिली हमारी मर गई है, हम अकेले, लेकिन आप वोट कास्ट करना है।